सो भाई कार की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, नई बैटरी लेने जा रहे हैं और पीछे ही पोचनपुर पड़ता है पास में ही, पोचनपुर चलते हैं, पोचनपुर में ढूंढते हैं कोई मैकेनिक और उसे पकड़ के लाएंगे चालू करवाने के लिए कार। हमने नई बैटरी ले ली है और ले आए हैं लगाने के लिए, इसको लगाने के बाद शायद अपनी बेबो स्टार्ट हो जाए और आराम से चला पाए हम इसे। टनों में मिट्टी निकलने वाली है मुझे लगता है। मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में। सही बात कहते हैं भाई, हाथी खरीदना आसान है पालना मुश्किल है, वही वाला सीन है भाई। हाथी है ये, 6 महीने बाद पैसा खाया इसने दबा के अच्छा खासा। अभी पैसा आपको फिर कभी बताऊंगा फुर्सत में। हाँ और खाने वाला है, अभी और खाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं ये मस्त हूँ, घर आ गया ना भाई, घर की वाइब अलग ही होती है। हालांकि इसकी वाइब बिगड़ी हुई है भाई, देख रहे हो बिस्तर बिस्तर पे कैसे फैला हुआ है, कल रात से हिला नहीं है। भाई को दूध वूध मेरे अपना हाथ से बना के पिलाया, अभी खाना भी बना रहा हूँ भाई के लिए। भाभी नहीं है ना घर पे, सुप्रीत दी नहीं है घर पे, तो बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं मुझे। मैं सोचा था घर आके आराम करूंगा, मस्त मस्त भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा, पर ये तो उल्टा हो गया। मैं ले रहा हूं ना आराम, कुछ आराम कुछ कुछ लोगों के लिए खुद बनाना पड़ रहा। बनाओ बनाओ बना के खिलाओ भाई। चलो भाई मैं खाना वाना बनाता हूँ फटाफट, उसके बाद अपन को ना, आपको याद होगा मेरे पास एक कार भी है, वो काफी टाइम से खड़ी हुई है, 5-6 महीने हो गए, उसे सही करवाते हैं। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको जाना था टेस्ट करवाने के लिए, तो मैंने बोला रुक जा थोड़ा शाम होंदे फिर जाएंगे टेस्ट कराने, और कार भी सही करा लेंगे, क्योंकि आगे हम थोड़े दिन यहीं रहने वाले हैं 2-4 दिन, तो कार सही हो जाएगी तो हमारे काम आती रहेगी। और सही करा के ना इस बार चालू रखेंगे, गाड़ी को चालू करवाता रहा करूंगा, ताकि जब भी आया करूँ तब आराम से कार वार से घूम सके दिल्ली में। यहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है ना, मुझे पहाड़ों की याद हो चुकी है, मैं पहाड़ी हो चुका हूँ, 30-40% तो हो चुका हूँ, 100% होने में टाइम लगेगा थोड़ा, है कि नहीं भाई? जरूर, और खाना भाई टेस्टी बनाना। ओके ओके सर, खाना तो मस्त बनाता है, टेस्टी खाना खाने का मन जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता हूँ, आप आराम कीजिए। भाई यहाँ बन चुके अपने गोल्डन अनियन, ये सब्जियाँ बनाते हैं बढ़िया से, आलू की सब्जी खाएंगे। चावल खाएंगे भाई, रोटी तो नहीं खा पाएंगे, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं मेरे में, तो चावल खाएंगे। ये देखो ये लड़की है जिनकी वजह से मेरा जीवन खराब हो चुका है, वीडियो कॉल करके सामान पूछना पड़ रहा है, और ये किचन का हाल है ऐसा खतरनाक वाला। सारा सामान समझ में नहीं आ रहा, पूछ पूछे काम चल रहा है। अभी खाना बना रहा हूँ मैं, नॉन स्टिक पैन बोला मुझे, नॉन स्टिक पैन में सब कुछ स्टिक हो रहा है, देखो क्या चक्कर है ये। नॉन स्टिक नहीं है वो, हार्ड है। चलो मैं फटाफट खाना बना के मिलता हूँ आप लोगों को। यहाँ बन गई अपनी सब्जी, और ये देखो चावल बढ़िया बने, जीरा राइस। मस्त बन गया खाना, घर में खाना बनाने में मजा ही अलग होता है, सारा सामान मिल जाता है ना इसलिए। सो दोनों भाई बाहर आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं भाई, तो मतलब आज 15 दिन हो गए नहाए बगैर, आज नहाया 15 दिन बाद नहाया है ना, 15 दिन नहीं, हाँ तो एक हफ्ते बाद नहाया भाई। नीचे उतर के आ गए थे, फिर बाद में याद आया हम दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में ना बिना हेलमेट के नहीं चल सकते, तो भाई को वापस लेके जा रहे हैं, हेलमेट दिलवाएंगे ऊपर घर से फिर जाएंगे भाई। भाई ये गलत काम है, तुम डबल डबल कसरत करा रहे हो, मुझसे 4-4 मंजिल ऊपर नीचे आना पड़ता तुम्हारे चक्कर में। अच्छा चलो ठीक है, 4 भी नहीं 8 यार, फ्लोर पे 2 घर है भाई। अबे भाई ये देख के लिख लो, ऐसे क्या तरीका है, दिल्ली में ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है, अमर हुआ ऐसा नहीं होता है भाई। अब गिरने से वहां और यहाँ में क्या फर्क है, ये क्या हो रहा है, बैठने का, ये दिल्ली है ना, दिल्ली में ऐसे ही बैठता है। भाई तुम बीमार हो या तुमने नशा कर रखा है, बता दो पहले। बीमार हूँ भाई। ठीक है फिर आ जाओ भाई, आ जाओ। स्पेसशिप पे चले? नहीं उड़ाने चले। चलो धनों के जगह दूसरी गाड़ी आ गई है हमारे हाथ में, जो जो मुझे पहले से जानते होंगे इस बाइक के बारे में जानते होंगे, बाइक मेरे पास ही है पहले से, पर ये बाइक लॉन्ग रूट पे नहीं चलाता हूँ, धोखा देती है मुझे लॉन्ग रूट पे, इसलिए धनों ने साथ बहुत ज़्यादा दिया है मुझे लॉन्ग रूट पे, इसलिए धनों मेरी बेस्ट बाइक है भाई, और उसको मैं हर लॉन्ग रूट पे ले जाता हूँ। मिलते हैं जरा फ्लैट से बाहर निकल के। सो भाई कार की बैटरी ख़त्म हो चुकी है,
नई बैटरी लेने जा रहे हैं और पीछे ही पोचनपुर पड़ता है पास में, पोचनपुर चलते हैं, पोचनपुर में ढूंढते हैं कोई मैकेनिक और उसे पकड़ के लाएंगे चालू करवाने के लिए कार। हमने नई बैटरी ले ली है और ले आए हैं लगाने के लिए। इसको लगाने के बाद शायद अपनी बेबो स्टार्ट हो जाए और आराम से चला पाया हम इसे। सो वैसे तो गाड़ी चालू हो चुकी है, मेरे मोबाइल में वीडियो रेंडर हो रहा था अपलोडिंग के लिए, पर मैं आपको दिखाऊं सिंगल सेल्फ में चालू हो रही है इतने टाइम बाद भी एक बैटरी डलने के बाद ही। ये देखिए है ना मक्खन गाड़ी, इस ओले ये तो बेइज्जती करा रही है। काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ लेकिन पूरी मक्खन चल रही है। चलते पहले पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल का नहीं पता कब खत्म हो जाए। सो निकल पड़े हैं, पहले पेट्रोल हम चल रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी का पोल्यूशन भी होना है, पोल्यूशन भी एक्सपायर हो चुका है। दिल्ली के अंदर 2 महीने का पोल्यूशन हो पाता है और उसके बाद आपको फिर रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पुरानी गाड़ी चलती नहीं है पोल्यूशन की। पर पेट्रोल वालों को मौज है भाई, मेरी गाड़ी पेट्रोल की है तो मस्त चलती है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी का 15 साल का पास है और 15 साल चल सकती है दिल्ली के अंदर, और डीजल की गाड़ी 10 साल चलती है दिल्ली के अंदर। काफी गंदी हो रखी है भाई। खैर दिल खुश हो गया यार, बेबो एक ही बार में चालू हो गई, मुंह से धन्नो ही निकल रहा है, धन्नो पे ज्यादा घूमता हूँ ना मैं, और इसकी आदत नहीं रही है, बहुत स्टीयरिंग टाइट चल रहा है इस वक्त, काफी चीजें ऑड लग रही है गाड़ी के अंदर। मे बी शायद काफी ऑयल वॉयल नहीं चलेगी गाड़ी तो ऑयल वॉयल के सूख गया हो सारा, तो ऑयलिंग वॉयलिंग करानी पड़े और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो। कल कराते हैं इसकी पूरी हुई से सर्विस और कल से आराम से इससे घूमेंगे। आज तो थोड़ा बहुत चला देते ताकि, क्योंकि आज चालू हुई है ना तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगी, पेट्रोल वेट्रोल डलवा के, इंजन ऑयल सब कुछ डलवा के। सो भाई पेट्रोल भरवा लिया है, हवा भी भरवा लेते हैं और पोल्यूशन के यहाँ पे बंद है, ये रहा पोल्यूशन वाला बूथ बंद है, तो देखना पड़ेगा दूसरा कोई पोल्यूशन कराने के लिए। गाड़ी आ चुकी है अपने घर लौट के, चलते हैं ऊपर वापस। बाहर आंधी आ चुकी है खतरनाक वाली, खुशी मिल रही है अपनी गाड़ी वापस घर देख के, काफ़ी टाइम बाद चलाई थी मैंने आज से और सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई तो और खुशी मिल रही थी। आगे कल सर्विस करा देंगे और फिर और मक्खन हो जाएगी। बारिश हो रही थी खतरनाक वाली बाहर, हम घर में आके घर में बैठ गए थे आराम से, अभी चलते हैं बाहर वापस, कुछ सामान वामान खरीद के लाएंगे घर के लिए और बाहर से खाना भी खा के आ जाएंगे। कुछ क्या खाना भाई? कुछ भी बढ़िया सा। अच्छा चलो भाई चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं बढ़िया खाना प्लस सामान भी लेकर आते हैं। ये देखो भाई डीडीए फ्लैट्स के हाल, अंदर आ जाता पानी सारा खुला हुआ ना इधर से सारा, प्लस एक बात फायदा तो है घर के अंदर फ्रेश एयर आती रहती है बढ़िया वाली, वो जी सबसे बढ़िया है। प्लस चारों तरफ ना बाहर द्वारका की तरफ ना जंगल जंगल है तो पूरे तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, काफी एरिया फॉरेस्ट के पास है ना इसी वजह से गार्डन वार्डन बने हुए मस्त मस्त से। चलो चलते हैं बाहर भाई, यहाँ पर आके ना लिफ्ट के लिए ऐसे बटन दबाना पड़ता है ऐसे, हमारे यहाँ बोलने से ओपन हो जाता है। ओहो इतना मॉडर्न हो गया गुवाहाटी, ये नहीं पता था, ये तो दिल्ली पीछे कर रहा है। लिफ्ट खोलो हमारे यहाँ भी खुलती है, लिफ्ट खोलो। अच्छा तो सेम टू सेम है। सो भाई बाहर बिल्कुल रौनक हो चुकी है, बारिश हुई है तो मौसम ठंडा ठंडा हो गया है, लोग बाहर घूमने के लिए आ गए हैं। ओहो पूरा पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो गया चारों तरफ। सो भाई वेजिटेबल्स ले लिए हैं पर कुछ खाया नहीं हुआ, भाई का फोन आया था वो खाना लेके आ रहा है तो फिर घर ही चल रहे हैं वापस। चले भाई बढ़िया से घर में खाएगा, बढ़िया से घर में खाएंगे। चलो तो भाई पहुंच चुके हैं वापस घर भैया के आने से पहले। ओहो ये भाई साहब आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, सैंडो में घूम रहे हो। सो घर हम वापस आ गए थे और भैया अभी तक नहीं आए हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, आधा एक घंटा इंतज़ार कर रहे हैं वो आ जाए, और भूख बहुत ज़ोर से लग रही है अब लेट हो गए काफ़ी, 8 बजे लगभग हम आ गए थे और 9:30 बज चुके हैं, अभी तक उनका आता पता नहीं है बिल्कुल भी।
भैया को आने में तो अभी काफी देर है, तो मैंने सोचा यार कुछ मैं ही बना लेता हूँ। मैं बना रहा हूँ कश्मीरी कावा। भाई कह रहा था मुझे गर्म पानी पीना, मैंने गर्म पानी मत पी फिर कावा पी ले, कावा पिलाता हूँ तुझे बढ़िया वाला। ये कभी गया नहीं कश्मीर तिगांता भाई, पर इस बार जाने वाला है। पर जाने से पहले पहले यहीं पे से कावा पिला देते हैं, वहां जाके तो पिएगा ही, खैर गर्मी में कावा पी रहा है। सो यहाँ कावा मिक्सचर, गर्म पानी और मैंने अखरोट के जगह बादाम डाल दिए थोड़े से, और मेरे पास ये रहा केसर मेन चीज। सर्दी होती तो मजा ये लगाता है इसे पीने का यार, सर्दियां नहीं चल रही है लेकिन तब भी पीते हैं। कैसा भाई? बढ़िया। तो भैया आ चुके हैं घर। ये क्या तरीका भाई, इतना लेट क्यों? मैं इंसान ही बनने जा रहा हूँ। और यहाँ आ चुका अपना खाना बढ़िया वाला। हाय हाय भाई, बिस्तर से पूरे दिन में नहीं उठता भाई। नहीं भाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हाँ इसको एडमिट कराना पड़ेगा, 4-5 ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी, और 3 सुइयां पहले पड़ी थी अब 15-20 पड़वानी पड़ेंगी। चार हाथ में थी ना, 15-20 टू ही पे। एक ही डुआ होता किसी का, 2-15-20 टू ही। नहीं पर इसको 3 सुई लगी थी ना, 15-20 लगवानी है सुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होनी चाहिए। आज नेक्स्ट डे है, हम निकल आए हैं भाई बाहर घर से। अपन जा रहे हैं पहले कार वॉश करा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे सर्विस करवाने और अपना काम डन हो जाएगा, फिर कार के अंदर कुछ नहीं कराना। अपन परचेजिंग स्टार्ट करेंगे नई ट्रिप की। ओहो भाई कैसी तबीयत है अब? मस्त है अपना, मतलब अब कार वार का आज काम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद शॉपिंग करेगा कुछ बढ़िया से। ओहो चलेंगे नई ट्रिप। हाँ बस नई ट्रिप की शॉपिंग। निकल पड़े हैं गाड़ी से घर से बाहर। इंश्योरेंस चेक करा था, इंश्योरेंस पड़ा हुआ अभी भी 5 महीने का, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा इंश्योरेंस कहीं ख़त्म ना हो गया हो। और जब मैं निकला था नॉर्थ ईस्ट तब मैं इंश्योरेंस करा के गया था। वीडियो तो नहीं बनाया, वैसे कार की लगभग सारी सर्विस हो चुकी है, इंजन ऑयल डल गया, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर सब कुछ डल गया, गाड़ी काफ़ी सामान डल गया नया, और अब वॉशिंग के लिए डली गई गाड़ी भाई। ये हो रही है क्लीनिंग इस वक्त कार के अंदर से, और यहाँ पड़ा मेरा कार्ड जो मुझे ध्यान नहीं था, और अभी लग जाएगी कार वॉशिंग पे। कल हमने खड़ी करी तब इसके ऊपर ना किसी चिड़िया विड़िया ने कुछ नहीं किया था, पर पता नहीं रात में क्या हुआ या कल सुबह क्या हुआ या फिर आज सुबह कुछ हुआ है और ये गंदा हो चुका है, पर बढ़िया वॉश हो जाएगी, सबक चाहिए भैया ढंग से साफ कर देना। तो यहाँ लग चुकी है दुल्हन धुलने के लिए पूरी, और काफ़ी टाइम बाद वॉशिंग हो रही है, टनों में मिट्टी निकलने वाली है मुझे लगता है। से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में। सही बात कहते हैं भाई, हाथी खरीदना आसान है पालना मुश्किल है, वही वाला सीन है भाई। हाथी है ये, 6 महीने बाद पैसा खाया इसने दबा के अच्छा खासा, अभी पैसा आपको फिर कहीं बताऊंगा फुर्सत में। हाँ और खाने वाला है, अभी और खाएगा। सो भाई अपनी गाड़ी सही तरीके से पूरी सर्विस हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया काम हो चुका है। बिल तो अपना काफ़ी तगड़ा आया था, भाई ने अपन को डिस्काउंट दे दिया, और भाई अगर आप लोग भी आओगे तो आप लोगों को भी डिस्काउंट देंगे। ज्योति मोटर्स है, कौन सी जगह लोकेशन क्या पड़ती है? सेक्टर 23। हाँ मेरे घर के पास ही है, आप आ सकते हो आराम से, सर्विस करा सकते हो, वॉशिंग करा सकते हो, ड्राई क्लीन करा सकते हो, डेंटिंग पेंटिंग भी करा सकते हो, है ना भाई जी। तो बस अपन निकलने वाले, अपनी गाड़ी डन हो चुकी है पूरी। सो भाई गाड़ी सर्विस हो चुकी है, और एक बात है कि जब गाड़ी सर्विस हो जाती है ना तो मक्खन के तरीके से दौड़ती है भाई, स्मूथ हो चुकी है बहुत पहले से, चलाने में मजा आ रहा। लगी फीलिंग कैसी आ रही भाई गाड़ी के अंदर? बहुत ही बढ़िया, पूरा साउंड ही नहीं निकल रहा है। हाँ और इवन क्लीन भी हो चुकी है, बिल्कुल चमक रही है अंदर से, दिल खुश हो गया भाई। पता है यार अपन जैसे लोग हैं ना जो ट्रैवल करते हैं वो सारी जिंदगी अपनी मतलब व्हीकल्स के साथ ही रहते हैं, मतलब 2-व्हीलर 4-व्हीलर इन्हीं के साथ रहते हैं, जब ये अच्छे लगे ना तो अपना दिल वैसे ही खुश हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही ज्यादा टाइम हमारा गुजरता है ना, है कि नहीं भाई? हाँ सही है। अभी हम प्लान कर रहे हैं भाई, मैं और दिगांता भाई, हम दोनों कार से एक टूर करेंगे कोई ना कोई स्टेट का, बहुत अच्छा मतलब सोच रहे राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हम आए बाय कार। कमेंट करके बताना कौन कौन देख रहा वहां से और कौन कौन चाहता कि हम उधर आए और कौन सी जगह, ये भी बताना तो हम जरूर आएंगे। क्या कहते हैं टुकले भाई? हाँ राजस्थान में तो बहुत जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे गर्मी भी रहेगी तो भाई दिक्कत नहीं आएगी टिकलो भाई को, क्योंकि एसी चलता रहेगा आराम से और हम घूमते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो बढ़िया वाली पार्किंग भी मिल गई है, गाड़ी में पैसा लगा है, गाड़ी खड़ी कर दी है, पता नहीं चलाएंगे अभी नहीं चलाएंगे, अब तो वैसे हम निकलने वाले हैं थोड़े दिन में, तो
शायद मुश्किल से 100-200 किलोमीटर चलाएं दिल्ली के अंदर ही अंदर, फिर ये ऐसी यहाँ पे खड़ी रहेगी। कुछ टाइम बाद अपन कार में भी ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत कार में ट्रैवल किया करेंगे, उसका भी मज़ा अलग होता है, 5-6 दोस्त एक साथ, तो प्लानिंग बनाएंगे उसकी भी पूरी। तो भाई कार खड़ी कर दी है और हम आ चुके हैं बुलेट पे। हम जा रहे हैं पास में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ खाने, रामफल चौक पे। वहाँ पे ना बाइक ले जाना सही रहता है, कार फिर पार्क करने में बड़ी दिक्कत आती है, बाइक तो आराम से पार्क हो जाती है। और पगड़ी वगड़ी बांध लिए, बड़ी देर से तैयार हो चुके हैं, चले भाई। सो भाई स्नैक्स स्नैक्स खा लिए मस्त से, दिल्ली की चटपटी चीजें। अब जा रहे हैं एक दोस्त के पास, वहीं रुकेंगे आराम से आज, और कल जाएंगे वापस घर, स्टे भी कर लेंगे और कल शॉपिंग भी करेंगे। आज तो शॉपिंग कर नहीं पाए क्योंकि शाम के 6 बजे तक तो गाड़ी सही हुई, तो लेट काफ़ी हो गए थे, तो हमने सोचा चलो कल कर लेंगे क्योंकि आज हो भी नहीं पाएगी। आदिशाह मार्केट बंद हो जाती है 8 बजे तक, हर जगह पहुँचने लग जाता, क्योंकि मेरा घर ना पूरा बॉर्डर पर है, तो कहीं पर भी जाता तो 8-9 बज जाते आने और जाने में ही, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। कल सुबह पक्का शॉपिंग वॉपिंग करेंगे अपनी नई ट्रिप का पक्का। और भाई की तबीयत भी पहले से काफ़ी सही हो चुकी है, कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है भाई, चलते। सो दोस्तों दोस्त के घर पे आ गए थे, कैप वैप पहन के फ्री हो चुके हैं, कपड़े जोपड़े चेंज कर लिए हैं भाई, अभी सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह शॉपिंग के लिए जाना मस्त वाली, तो काफी मजा आने वाला है भाई अपनी ना लद्दाख की ट्रिप के लिए, सारी शॉपिंग कर लेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। बस 1 या 2 दिन के लिए अपन को आगरा जाना पड़ेगा, उसके बाद अपन फुर हो जाएंगे। सो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट कर देना मेरा दिल रखने के लिए, दिल बना देना, या तो कुछ समझ में आया तो कमेंट कर देना। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।